जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, लाडू लाडली, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली, आप सभी को पता है कि एसएससी का रिजल्ट आ गया है। बहुत सारे बच्चे कॉल भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं कि सर इतना ऊपर चली जाएगी, हमने उम्मीद नहीं की थी, इतनी कट ऑफ ऊपर लग जाएगी क्या। और मैंने जब भी वीडियो बनाए हैं इसकी कट ऑफ पर, आप उनको जाके देख सकते हो, परिणाम के लिए आप एक बार जरूर देखना। उनमें जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है उससे कुछ भी अंतर आपको नहीं मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। आप एक बार जाके जरूर चेक कर लेना, पुराने वीडियो के नीचे लिंक दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप नंबरों को देख रहे हैं कि आपके नंबर इतने ज्यादा है तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि इस बार एक क्वेश्चन दो नंबर का है। अगर पिछली बार कटो 5 अंक ऊपर गई है तो इसका मतलब है इस बार 10 अंक जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों? क्योंकि इस बार एक क्वेश्चन दो नंबर का है, तो नंबर की वैल्यू कम है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस स्टेट से कितनी कितनी गई। ये जो कट ऑफ है ये है फिजिकल के समय की, और ये कट ऑफ अभी जो आपकी आज लगी है, तो किस राज्य से कितनी कट ऑफ बढ़ी है वो आप एक बार अच्छे से देख लेना, और आपके राज्य से कितनी बढ़ी, साथ ही कितने कैंडिडेट अब रहे हैं तो और अब कितनी कट ऑफ जाने के चांसेस रखते हैं, वो भी मैं आपके सामने इस वीडियो में पूरा का पूरा रख दूंगा। लाडलो, सबसे पहले अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए आंध्र प्रदेश की पहले थी 59.0338 और अब 59.03538, यानी सेम ही अंक पर रही है, लेकिन पहले कैंडिडेट थे 88 अवेलेबल थे, अब कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से 17 ही है। ठीक है, तो अगर आंध्र प्रदेश की ओवरऑल देखें तो पहले 40.05 थी, अब 40.72, यानी आंध्र प्रदेश से पूरी भी अगर कट ऑफ हम सारी की सारी देख लें, पहले की और अभी की, तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे पहले यहां पर 40 थी, अब ये 41 चली गई है, क्योंकि आंध्र प्रदेश हो गया या असम हो गया, इन राज्यों से कट ऑफ ज्यादा ऊपर नहीं गई है। तो हम आंध्र प्रदेश का ओवरऑल मान के सकते हो एक अंक भी ऊपर नहीं गई है किसी भी कैटेगरी से। अगर सारी कैटेगरियों को देखें तो एक अगर आप जनरल की देखोगे तो उसमें 70.98 है, उसमें भी 70.98 है, यानी आंध्र प्रदेश से ज्यादा नहीं गई है। असम की अगर हम बात करें, चलिए असम पे ले आते हैं हम, कि असम से कितना ऊपर गई, आंध्र प्रदेश से अगर किसी का एक नंबर भी ज्यादा था तो वो भी इलिजिबल हो गया है। ये बात करते हैं यहां से हम असम की, तो देखो असम अगर जनरल एरिया की बात करें, असम जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस, असम जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस 74 बच्चे अवेलेबल है। पिछली बार कितने थे जनरल एरिया से? 145, 40 पे थी, अब 41 पे चली गई है, यानी असम से ईडब्ल्यूएस की गई है एक नंबर ज्यादा। अब असम से हम जनरल कैटेगरी के फॉलो करते हैं, असम जनरल एरिया जनरल कैटेगरी के पहले कट ऑफ थी 52, असम जनरल कैटेगरी जनरल एरिया अब गई है 59, पहले 52 थी अब 59, यानी 7 अंक ऊपर गई है जनरल की, बाकी कैटेगरी के 7 से नीचे नीचे ही है। ठीक है, बाकी कैटेगरी की 7 से नीचे नीचे। अगला जो स्टेट आता है असम के बाद में वो आता है बिहार। अब आपको बताते हैं बिहार से कितनी गई है, चलिए देखते हैं बिहार से। बिहार अगर बॉर्डर एरिया ईडब्ल्यूएस की पिछली थी 85, बिहार बॉर्डर एरिया ईडब्ल्यूएस की अब है 90, लेकिन एक चीज देखिए ध्यान से कि पहले 32 थे उसमें से अब कितने बच्चे बचे हैं? 8 बच्चे, यानी लगभग 1/4 को साइड कर दिया गया है बिहार से। बिहार का हमारे को जरूरी है देखना जनरल कैटेगरी, बिहार जनरल कैटेगरी जनरल एरिया और जनरल कैटेगरी की पिछली बार थी 109, अब हम देखते हैं बिहार के जनरल एरिया और जनरल कैटेगरी। ये रहा बिहार जनरल एरिया जनरल कैटेगरी, अब गई है 112, यानी 109 से जनरल की बिहार की बढ़ गई लगभग 5 अंक। ये देखिए यहां पर बिहार जनरल एरिया जनरल कैटेगरी से 824 बच्चे अवेलेबल थे फिजिकल के लिए, 109 पे कट ऑफ लगी थी। बिहार जनरल एरिया जनरल कैटेगरी से 206, 824 में से 1/4 को हटा दिया गया है, 206 बच्चे हैं सीधा, मतलब 1/4 बच्चों को साइड कर दिया गया। 824 में अगर आप 4 का भाग दोगे 206 बचेंगे, तो 206 बच्चे 112 पर, यानी 5 अंक ऊपर बढ़ी है, लगभग 1/4 बच्चों को साइड कर दिया गया है। तो अब कितनी जाएगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पहले हम एक बार सभी का देख लेते हैं। चंडीगढ़, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, हम जनरल कैटेगरी को देख लेंगे तो उससे नीचे की कैटेगरी अपने को अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी से तो ऊपर किसी की जाएगी नहीं, ओबीसी की जा सकती है। तो ओबीसी और जनरल कैटेगरी देख लेते हैं, तो चंडीगढ़ की अगर हम देखें, देखो ओबीसी जनरल एरिया से 93 थी, और चंडीगढ़ से ये रहा ओबीसी जनरल एरिया से अब 101 गई है, 93 से 101, यानी 8 नंबर बढ़ गई है चंडीगढ़ में। और जनरल कैटेगरी से अभी 99, और पहले कितनी थी चंडीगढ़?
जनरल कैटेगरी से 92 थी, अब वो 99 चलेगी। ओबीसी की कट ऑफ ध्यान रखना ऊपर चली गई है चंडीगढ़ से। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ओबीसी की कट ऑफ आपको जनरल से भी ऊपर मिलेगी। अब आते हैं दिल्ली। देखिए दिल्ली में अगर हम बात करें, सभी राज्यों की जानना जरूरी है, क्योंकि जब आपको सभी राज्यों की पता होगी तभी आपको यह पता लगेगा कि टोटल जो कैंडिडेट पास किए गए हैं, पोस्ट ऑफ वैकेंसी और कैंडिडेट जो पास किए गए हैं उसमें अगली कट ऑफ कितनी जा सकती है किस राज्य से। ठीक है, तो वैसे अगर आप साथ में भी लेके चले तो देखो दिल्ली से अगर हम बात करते हैं, दिल्ली जनरल की 120 गई थी, 120 बच्चे अवेलेबल थे, 117 कट ऑफ गई थी। अब दिल्ली जनरल की 120 117 से केवल 3 अंक की बढ़ी है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की 110 थी और अब ओबीसी की 115 हो गई। ठीक है, और वही 1/4 का भाग दिया गया, पहले 80 बच्चे अवेलेबल थे अब 20 बच्चे हैं, यानी जितने बच्चे एलिजिबल थे उसमें से 1/4 को हटा दिया गया है सभी में। ठीक है, अब चलते हैं आगे गुजरात। देखो गुजरात की अगर हम बात करें, लाडो ध्यान रखना, गुजरात में से गुजरात की अगर हम जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी की देख लेंगे तो उसे पता हो जाएगा अपने को, क्योंकि गुजरात जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी इसकी पेपर थी। अब गुजरात जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी अभी गई है 69, यानी 4 अंक बढ़ी, यानी 2 क्वेश्चन। ठीक है, गुजरात से 4 अंक बढ़ी है, यानी एसटी कैटेगरी तो इससे नीचे ही है। अब बात करते हैं हरियाणा। अगर हरियाणा की हम बात करें, ये रहा आपका हरियाणा, दोनों जगह की दिखा रहा हूं आपको जो फिजिकल कट ऑफ से अब कितने ऊपर गई, ये आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है पूरे स्टेटों का। हरियाणा की देखो जनरल कैटेगरी पहले 200 बच्चे एलिजिबल थे, 124 गई थी, अब हरियाणा की जनरल कैटेगरी की 130 चली गई, 124 से 6 अंक बढ़ गई, और ओबीसी की भी 8 अंक बढ़ गई। हरियाणा से जनरल कैटेगरी बढ़े हैं 6 अंक और ओबीसी के बढ़े हैं 8 अंक। अब एक यहां पे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर अभी जितने अंक बढ़े हैं क्या फाइनल मेरिट भी इतने अंक बढ़ेगी, तो देखो वो डिपेंड करेगा, अभी आपको फाइनली मैं बताऊंगा कि कितने कैंडिडेट बच्चे हैं। अब मतलब कि एक पोस्ट भी अब कितने बच्चे हैं वो पहले हम टोटलिंग कर लेंगे लास्ट में, और फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगा वो पूरा का पूरा आंकड़ा कि अब कितनी बढ़ेगी। लेकिन हाँ फिर भी इतनी नहीं बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी वो भी बता दूंगा लेकिन इतनी नहीं बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो ओबीसी से पहले 91 थी, अब हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें ओबीसी से तो 105 है, 91 से 105 आप देखिए कितनी बढ़ गई। पहले थी 90 हिमाचल प्रदेश, ओबीसी 91 और 105 चली गई, यानी लगभग 14 नंबर ऊपर बढ़ गई हिमाचल प्रदेश से। तो क्या सर अगली मेरिट भी इतनी बढ़ेगी? नहीं, अगली मेरिट इतनी नहीं बढ़ेगी, इसलिए आपको जो भी अच्छे पास हो गए उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, चलिए जम्मू कश्मीर के देखते हैं, ये आपका आ गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अगर जनरल एरिया की देखते हैं, जम्मू कश्मीर जनरल एरिया और ओबीसी दोनों को देख लेते हैं, ओबीसी की 40 थी, जनरल की 56 थी। अब जम्मू कश्मीर ओबीसी की 40 ही है और जनरल की 61 है, 56 से 5 अंक बढ़ी है जम्मू से, जबकि ओबीसी की बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। झारखंड की अगर हम देखें, झारखंड में क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, नक्सल एरिया ज्यादा आ जाते हैं, तो हम सीधा केवल जनरल एरिया की बात कर रहे हैं। झारखंड जनरल ओबीसी की 96 और अभी कितनी है, झारखंड जनरल एरिया ओबीसी की 96 है, सेम ही है, कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। ठीक है, और जनरल की देख लेते हैं, झारखंड जनरल एरिया जनरल कैटेगरी 105 और पहले झारखंड की, झारखंड जनरल एरिया की थी 104, यानी 1 अंक बढ़ी है, झारखंड से ज्यादा मेरिट नहीं बढ़ी है और अगली मेरिट भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, झारखंड से ना तो अभी बढ़ी है ना आगे बढ़ेगी, केरला और कर्नाटक की मेरिट 1 नंबर से ऊपर नहीं बढ़ी है। तो आगे चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। अब मध्य प्रदेश की देखते हैं, मध्य प्रदेश की कितनी ऊपर गई है, मध्य प्रदेश की हम देखते हैं जनरल कैटेगरी की, मध्य प्रदेश जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी की 117 थी और जनरल की मध्य प्रदेश फिजिकल के लिए कितनी थी, 119, यानी 117 और 119। अब इधर देखते हैं मध्य प्रदेश ओबीसी जनरल एरिया की अब 124 चली गई 117 से, यानी 7 अंक बढ़ी है, और जनरल की बढ़ी है 125 यानी 6 अंक बढ़ी है, यानी ओबीसी की 7 अंक बढ़ी है मध्य प्रदेश से और जनरल की 6 अंक बढ़ी है। ओबीसी कट ऑफ ऊपर रहेगी, मध्य प्रदेश राजस्थान हरियाणा यहां पर ओबीसी की मेरिट हमेशा ऊपर रहती है, ऊपर रहेगी। मणिपुर की हम बात करें तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, 1 नंबर भी नहीं बढ़ी है, ध्यान रखना। महाराष्ट्र की देखते हैं, महाराष्ट्र की भी ज्यादा नहीं बढ़ी है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें जनरल कैटेगरी से, महाराष्ट्र जनरल एरिया जनरल कैटेगरी की 82 थी, महाराष्ट्र जनरल एरिया जनरल कैटेगरी की 86 यानी 4 अंक बढ़ी है, ज्यादा नहीं बढ़ी है, पहले 82 थी अब 86 हो गई है, तो महाराष्ट्र से भी ज्यादा नहीं बढ़ी है।
मणिपुर से भी ज्यादा नहीं है, मेघालय से भी नहीं बढ़ी है, मिजोरम से भी नहीं बढ़ी है, देखते हैं उड़ीसा का, क्योंकि इनसे एक एक नंबर भी नहीं बढ़ी है भाई, इसलिए डायरेक्ट हम किसका देखते हैं, उड़ीसा का देखते हैं। ये रहा उड़ीसा, तो उड़ीसा का एरिया ओबीसी की पहले थी 84 यानी 84, और उड़ीसा जनरल एरिया ओबीसी की अब 84 यानी सेम अंक है। अगर जनरल की बात करें तो 89 और पहले कितनी थी, पहले भी 89 थी, यानी उड़ीसा से बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, भी नहीं बढ़ा उड़ीसा से, पंजाब से भी मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी बढ़ी होगी, क्योंकि पंजाब से भी ज्यादा नहीं बढ़ती है मेरिट फिजिकल के बाद में। देखो पंजाब अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो पहले थी 82, अब पंजाब जनरल कैटेगरी की हम बात करें अब है 89, 7 अंक बढ़ गई इस बार, जबकि पंजाब से इतनी नहीं बढ़ती है, पंजाब से इस बार जनरल की बढ़ गई है 7 अंक, और पंजाब जनरल ओबीसी की 71 थी और अभी ओबीसी की हो गई है 79, यानी 8 अंक बढ़ गई ओबीसी की, जबकि पंजाब से मोस्टली इतनी नहीं बढ़ती है, लेकिन इस बार पंजाब से ज्यादा बढ़ गई, और जिन राज्यों से उम्मीद थी वहां पर इतनी नहीं बढ़ी। अब मेन राज्य आता है आपका राजस्थान, फिर राजस्थान यूपी, यही बढ़ती है मेरिट, तो चलिए देखते हैं राजस्थान का। देखो राजस्थान में अगर हम बात करें ओबीसी की, जनरल एरिया ओबीसी की पहले थी 111, अब राजस्थान में जनरल एरिया ओबीसी की हो गई 118, मतलब बढ़ी है, बहुत ही कम बढ़ी है राजस्थान वालों, ध्यान रखना तुम, तुमको अगर लगता है कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो नहीं, बहुत कम बढ़ी है, बिल्कुल लिमिट में बढ़ी है, लकी हो तुम। अब राजस्थान से अगर बात करें जनरल की, राजस्थान जनरल एरिया जनरल कैटेगरी की 114 थी, राजस्थान ये रहा जनरल एरिया 121, 114 से 121, 114 से 121। अब तमिलनाडु की भी नहीं बढ़ी है, तेलंगाना भी नहीं बढ़ी, त्रिपुरा भी नहीं बढ़ी, उत्तर प्रदेश पे आते हैं भाई सीधा। चलिए उत्तर प्रदेश से कितनी बढ़ी है, मेन राज्य है, क्योंकि तेलंगाना तमिलनाडु यहां से नहीं बढ़ती, उत्तराखंड से भी नहीं बढ़ती, उत्तर प्रदेश से देखते हैं। ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से जनरल एरिया के जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो थी 121, अब उत्तर प्रदेश से जनरल कैटेगरी की देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश 121 से 127, मतलब 6 अंक बढ़ी है भाई, ज्यादा नहीं बढ़ी उत्तर प्रदेश से भी, कट ऑफ बिल्कुल नॉर्मल बढ़ी है, ज्यादा नहीं बढ़ी है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपकी ज्यादा बढ़ी है। और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ी है, ठीक है लाडलो। अब कट ऑफ डिटेल्स मेल, जो अब तक हमने देखी थी वो किसकी थी, लड़कियों की थी, अब हम देखेंगे लड़कों की कट ऑफ कितनी बढ़ी है किस राज्य से, अब तक जो देखी थी वो थी लड़कियों की, और अब देखते हैं लड़कों की, ठीक है। चलिए भाई लड़कों की कितनी कितनी बढ़ी है किस किस स्टेट से, वैसे आप सबने देख लिया होगा जिस हिसाब से लड़कियों की बढ़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब एक राज्य है जहां पर ज्यादा बढ़ी है लड़कियों की, इतनी बढ़ती नहीं है पंजाब से, लेकिन इस बार थोड़ी सी पंजाब से ज्यादा बढ़ गई है लाडलो, पंजाब से थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई है भाई। फाइनल मेरिट लड़कियों की कितनी बढ़ेगी तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि 1/4 किया गया है, अब 1/2 करना है, तो इतनी ऊपर नहीं जाएगी जितनी ये कट ऑफ ऊपर निकली है, इतनी ऊपर अब नहीं निकलेगी लाडलो, उसके लिए आप बेफिक्र है ना, इतनी ऊपर नहीं निकलेगी, अब थोड़ी सी कम हो जाएगी ये कट ऑफ, ये ध्यान रखना, इतनी ऊपर अब नहीं जाएगी। आंध्र प्रदेश से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से लड़कों की भी नहीं बढ़ी है, सेम ही है। अरुणाचल प्रदेश से देखने की जरूरत नहीं है, असम से देखने की जरूरत नहीं है, बिहार की देखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहां से नहीं बढ़ी है, मैं आपको बता रहा हूं यहां से बिल्कुल भी ना के बराबर बढ़ी है। अगर बिहार की बात करें तो लड़कों में देखो, बिहार में लड़कों में जो जनरल कैटेगरी की अभी कट ऑफ लगी है वो लगी 117 पे, और जनरल कैटेगरी की बिहार में 121 पे, जबकि पहले कितनी थी, बिहार बिहार जनरल एरिया ओबीसी की 111 थी जो कि 117 हो गई अभी, बिहार जनरल की पहले 115 थी जो कि 119 हो गई अभी, लगभग 4 अंक बढ़ी है, यानी लड़कों और लड़कियों की सेम बढ़ी है, चंडीगढ़ से भी ज्यादा नहीं बढ़ी है। दिल्ली की देखते हैं कि दिल्ली से कितनी बढ़ी है, चलिए भाई दिल्ली पे चलते हैं। दिल्ली की अगर लड़कों की देखें तो मुझे लगता है यहां से 5-6 अंक जरूर बढ़ी होगी। अगर दिल्ली की हम देखें ओबीसी 101 थी पहले लड़कों की, अब दिल्ली ओबीसी 108 हो गई, 7 अंक बढ़ गई भाई। दिल्ली जनरल की देखें 111 थी वो, दिल्ली अब जनरल की 114 हो गई, यानी 3 अंक बढ़ी है दिल्ली से। कुल मिला के बात ऐसी है कि जो कट ऑफ है वो ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन कुछ ऐसे राज्य है जहां पर ज्यादा जंप कर गई है, और वहां पर ज्यादा जंप
इसी बार की है, हो सकता है कि पोस्ट ऑफ वैकेंसी उस राज्य की कम हो, इस वजह से कर गई, बाकी ज्यादा अंक नहीं बढ़े क्योंकि इस बार एक क्वेश्चन दो नंबर का था तो उस हिसाब से ज्यादा ऊपर नहीं गई है। अब बात करते हैं हम सीधा देखते हैं झारखंड से कर्नाटक से, यहाँ से बिल्कुल ज्यादा नहीं बढ़ी है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कट ऑफ में काफी अंतराल आ जाता है एसएससी जीडी में, तो मध्य प्रदेश की कितनी बढ़ी है चलिए वो देखते हैं हम। ये रहा मध्य प्रदेश, ये जो कट ऑफ है मध्य प्रदेश की पहली, मध्य प्रदेश जनरल एरिया ओबीसी की थी 117, अब मध्य प्रदेश जनरल एरिया ओबीसी की हो गई 123, यानी 6 अंक बढ़ी है, बहुत कम बढ़ी है, ज्यादा नहीं बढ़ी, ध्यान रखना 6 अंक ज्यादा नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन दो नंबर का था। मध्य प्रदेश अगर जनरल की बात करें हम, ये रहा मध्य प्रदेश जनरल एरिया जनरल कैटेगरी की, अच्छा मध्य प्रदेश जनरल एरिया जनरल कैटेगरी की 118 थी और अब मध्य प्रदेश से जनरल कैटेगरी की 124, 6 अंक बढ़ी है, यानी ज्यादा नहीं बढ़ी है। लाड लो महाराष्ट्र से अगर हम देखें, महाराष्ट्र से देखो आप, महाराष्ट्र से अगर जनरल कैटेगरी ये रहा, पहले 84 था, अब महाराष्ट्र जनरल कैटेगरी का 94 हो गया, यानी 10 अंक बढ़ी। अगर आप महाराष्ट्र से इन राज्यों से देखो तो देखो कितनी ऊपर गई, जबकि हरियाणा से यहां से कम गई है वो, हरियाणा हो गया राजस्थान हो गया, यहाँ पर कट ऑफ बहुत अच्छी रही है, ज्यादा नहीं बढ़ी है। अगर राजस्थान की बात करें लड़कों की कट ऑफ की, तो चलिए हम राजस्थान में चलते हैं, देखो ये आ गया राजस्थान। राजस्थान में अगर हम बात करें, राजस्थान में ओबीसी की ज्यादा जाती है, राजस्थान जनरल एरिया ओबीसी की 119 थी, अब राजस्थान जनरल एरिया ओबीसी की 127 हो गई, 8 अंक बढ़ गई, क्योंकि राजस्थान में बढ़ती है। जनरल की कितनी बढ़ी है चलिए देखते हैं, राजस्थान, राजस्थान ये रहा जनरल एरिया ओबीसी, जनरल की 122 थी, अब राजस्थान जनरल एरिया की 128 हो गई, 6 अंक बढ़ गई, ओबीसी की 8 बढ़ी, जनरल की 6 अंक बढ़ गई, ठीक है। तो राजस्थान से भी इतनी बड़ी, यूपी की देखें अगर हम, उत्तर प्रदेश की कितनी बढ़ी है चलिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान की ही सबसे ज्यादा बढ़ती है। देखो उत्तर प्रदेश की अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, यह रहा उत्तर प्रदेश जनरल कैटेगरी की 123 थी, अब उत्तर प्रदेश जनरल कैटेगरी की अभी, उत्तर प्रदेश जनरल कैटेगरी की 129, 6 अंक वहां से बढ़ी है। कुल मिला के बड़े बड़े जो भी राज्य है वहां से 5-6 अंक आपकी कटो बढ़ी है, कई जगह 10-10 अंक बढ़ गई, जैसे महाराष्ट्र हो गया, पंजाब में भी बढ़ी है लड़कियों की कटो 10 अंक है, कई जगह बढ़ गई है। तो क्या अगली मेरिट भी इतनी बढ़ेगी? नहीं, अगली मेरिट इतनी नहीं बढ़ेगी, ध्यान रखना। अगली मेरिट में अब 1/2 ही किया जाएगा, अभी 1/4 कर दिया गया था, अब 1/2 होगा, तो अब कट ऑफ इतनी ऊपर नहीं जाएगी। अगर जिस राज्य से 6 अंक बढ़ी है वहां से हो सकता है कि 3-4 बढ़े, जहां से 10 बढ़ी है वहां पर 5-6 तक बढ़ सकती है, ठीक है, आधा कर लेना इसका, ठीक है लाटो। जय हिंद जय भारत।